सभी का स्वागत है। और आज है शिवरात्रि, तो जी आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आई हूँ मंदिर में यहाँ पर सुबह के समय पूजा करने के लिए। तो जी बहुत मन लगा, मंदिर बहुत अच्छा है और ये हमारे पास में ही पड़ता है। तो जी यहाँ पर मैं कर रही हूँ अभी पूजा, और अभी ले लूँगी, मेरी पूजा हो गई है। तो मैं अभी पंडित जी से प्रसाद लेकर और आशीर्वाद लेकर अभी जाऊँगी घर पर। तो जी बहुत अच्छा लग रहा था, मॉर्निंग मॉर्निंग में अगर पूजा पाठ हमारी हो जाती है तो हम अच्छा फील करते हैं। और देखिए करनी चाहिए सभी को। तो फ्रेंड्स आप सब भी बताना आप सबकी शिवरात्रि का। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। आज है माँ शिवरात्रि, आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए इस साल, भोलेनाथ की आप सब पर कृपा बनी रहे। और गाइज अभी समय हो रहा है मॉर्निंग का, मैं आई हूँ पूजा करके अभी मंदिर से। बस मैंने पिया चाय, और चाय पीने के बाद थोड़ी बीपी डाउन सा हो रहा था, मैं कर रही हूँ थोड़ी सी देर रेस्ट। अभी इनके लिए बनाऊँगी मैं ब्रेकफास्ट, तो अभी थोड़ी सी देर रेस्ट करने के साथ साथ मैंने सोचा मैं आप सबसे भी थोड़ा ब्लॉग शूट कर लूँ और आप सबसे भी बातें कर लूँ। तो गाइज बताना आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो को। तो जी चलिए बना लेते हैं ब्रेकफास्ट। मंदिर में सभी जगह पूजा हो गई है, घर पर भी और मंदिर में भी। अभी आ गई हूँ मैं यहाँ पर किचन में, मेरा दूध गर्म हो गया है और ये मैंने आटा बना के रख दिया है। बस इन दोनों के लिए ये नाश्ता बनेगा। मैं इसको पहले ढक देती हूँ, ढक दिया है 2 मिनट के लिए, आटा सही हो जाएगा, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बना दूंगी। और ये मैंने बर्तन साफ कर दिया, किचन साफ हो रही है। अभी थोड़ा सा काम रह रहा है, वैसे तो करीब करीब थोड़ा, आज व्रत में ज़्यादा डीपली नहीं कर पाई। तो जी और ये किट्टू किधर है, और यहाँ पर पड़े हैं मेरे कपड़े जो मैंने परसों धुले थे। कुछ पर इन पर प्रेस हो रही है और कुछ को तय लगानी है। प्लीज़ गाइस इनको इग्नोर कीजिएगा। अभी चलते हैं ऊपर, देखते हो किट्टू क्या कर रहा है ऊपर। अभी आ गई हूँ मैं ऊपर और देखते हो ये रात में कपड़े धुले थे, कुछ वे नीचे है। 2-3 दिन से कपड़ों में धूप नहीं थी, धूप नहीं लग रही थी, तो अभी ये मुझे सब उतारने और इनको तह लगाऊंगी। रखना बड़ा भारी काम होता है, कपड़े धुल तो जाते हैं लेकिन उनको उतारना और रखना। और अभी मैं इसको देख लूँ ये क्या कर रहा, ये आज अपने अलग रूम में पढ़ाई, अलग रूम में पढ़ाई करने आया था ऊपर, अपना अलग रूम शिफ्ट किया इसने ऊपर और पढ़ाई कर नहीं रहा है। देखो क्या ये कहीं कहीं में लग रहा है, क्या कर रहा है ये? इसमें लाइट लगवा, अभी ऊपर के रूम में हमारा सामान ऐसे ही पड़ा है, मैं इसमें वो बिछाऊंगी। और आज ये कान्हा जी का झूला उतरवा दे, देखो ये लगा ली इसने अपनी बुक, अपना सामान, नीचे से पूरी अलमारी खाली कर दी पूरी नीचे से वो। तो इसमें एक लाइट और लगवा ले और अपनी यही स्टडी किया कर, हवा लगेगी पंखे की। तो क्या कर रहा है ये, पढ़ भी रहा या नहीं? पढ़ रहा है या वैसे ही खोल कर देख रहा? तो फ्रेंड्स मैं ऊपर आई थी उसी के साथ, मैं एक दो कपड़े टॉवल वगैरह बाहर सूख रहे थे उनको अंदर रख दूंगी, और यहाँ पर मैं मशीन का कवर रख दूंगी, रात कपड़े धुले थे। और अभी मैं जाऊंगी नीचे, यहाँ पर कपड़े उतार लिया है उनको लेकर के। तो जी बस अभी जा रही हूँ मैं नीचे, मैंने ले लिए कपड़े लेकर जा रही हूँ नीचे। तो जी बस अभी इन कपड़ों को रख दूंगी मैं ऐसे ही, पहले बनाऊंगी मैं ब्रेकफास्ट। पढ़ भी ले,
तो जी बस अभी नाश्ता करने के लिए रेडी नहीं थे, तब तक मैंने सोचा सोफे पर कपड़े पड़े थे मैं इनको लगा के रख दूँगी, तय रात बेड शीट वगैरह धुली थी और ये जा रहा है ऊपर पानी की बोतल लेने आया था, पता नहीं ऊपर जाकर पड़ता भी है नहीं। और अभी मैं आई हूँ किचन में, जो एक दो सामान पूजा के और चाय बनाई थी थोड़ी बिखर गई थी उसको समेटने, बड़ा गंदा लगता है किचन जब बिखर जाता है। और फिर से आ गई हूँ मैं रूम में, जो रात मैंने कल दिन में ही की थी ऐसे ही रखे थे सोफे पर, अभी उनको कपड़ों को रख दूँगी मैं अलमारी में। और बेड शीट वगैरह सोफों के कवर सभी चेंज किए थे, सभी धुले थे, उनको मैं रख दूँगी अलग। और ये बड़े वाले सेप है, इसमें रखते हम तीनों के नए कपड़े होते हैं जो, और जो छोटे वाले सेप है इसमें रखती हूँ मैं पुराने कपड़े जो डेली यूज के होते हैं। और ये बेड शीट वगैरह इनको रख दूँगी बेड में, सोफों के कवर सब कुछ बेड में रख दूँगी, एक अलग बॉक्स है उसमें आराम से मिल जाती है। फिर सभी कुशन कवर सोफों के कवर सब कुछ अलग से बनाया। और इस वाली सेप में बस अलग अलग खाने में सभी के छांट छांट के रख रही हो, प्रेस कर दिया, बॉडी राहत मिली है, ऐसा थोड़ा प्रेस का काम बड़ा भारी होता है जब थोड़ा थोड़ा धीरे करके करने लग रही हो, कितने दिनों से काम घर के काम नहीं हो पा रहे थे बड़े, कभी दूध मलाई इकट्ठी होती उसको बुलाना, कभी कपड़े प्रेस के, कभी धुलने के, थोड़ा थोड़ा काम समेटने में लगी हो, ज़्यादा नहीं होता है मेरे से। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में, मॉर्निंग का समय बड़ा बिजी होता है और मैं बना रही हूँ यहाँ पर रोटी सेक रही हूँ, बस ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था तो भी रोटी सेक दिया, बर्तन भी साफ हो गया। और अभी मैं जो रात कपड़े धुले थे उनको प्रेस कर रही हूँ साथ साथ।